क्वेश्चन नंबर 35 को पकड़ो, आपसे कह रखा दो बॉडी है। अरे देखो, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन कराया था, 34 में करा दिया था मैंने। दो बॉडी हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, हैव इक्वल मोमेंटम, उनके मोमेंटम इक्वल हैं। तो मोमेंटम इक्वल है, बात सही है, तो एक काम कर लेते हैं, मोमेंटम इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम इक्वल है तो एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता p2/2m, भूल जाओ ये वाला फॉर्मूला लगा लो। जब मोमेंटम इक्वल है तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा सिंपल सा बन गया क्वेश्चन अब। तो आपसे कह रखा दो बॉडी जिनके मास m1 और m2 है, उनकी काइनेटिक एनर्जी e1 और e2 है, ठीक है। तो हमसे कह रहा बताओ e1 और e2 का रेशियो बताओ। तो आपको पता है e1 का जब e2 के साथ रेशियो लोगे तो ये हो जाएगा m2/m1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये k1 है तो m1 नीचे, k1 और m1 ये, ठीक है। तो ये एनर्जी का रेशियो निकल कर आ गया। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जनरली हम k यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में e दे रखा तो हमने k की जगह e रख दिया। तो e1 मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो e1/e2 इज इक्वल टू जाएगा m2/m1। तो ये m2/m1 तो ऑप्शन सी के अंदर है, तो 35 में का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, साथ देते रहो यार इसी तरीके का।